Hi guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another vlog. उम्मीद है आप लोगों के रोजे बहुत अच्छे जा रहे होंगे. आज पता नहीं कौन सा रोज़ है, आई थिंक 20 रोज़ रह गए हैं और दिन भी बहुत खूबसूरत है. जुम्मे का दिन है आज, पापा को छुट्टी हो रही है. मेरे बेटे ने उनके नाक में प्रॉपर दम किया हुआ है. हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, क्योंकि उसके बगैर तो फिर मज़ा ही नहीं आता व्लॉग्स का, आपको पता. अभी आज के सीन्स कुछ ये हैं कि इफ्तारी का टाइम होने में थोड़ा सा टाइम है और उसके बाद हमें कुछ चीज़ें वगैरह लेने जानी है घर की, तो फिर आप लोगों को साथ किसी लगे लिए सलाम करते हैं. सलाम, अस्सलाम वालेकुम गाइस. माशाल्लाह भी लिख दिया करूँ वहाँ पर, लोग नज़र लगाने वाले बहुत होते हैं, आप लोग तो समझ के होंगे. नज़र इसीलिए इसका मतलब ब्लॉग्स आने खत्म हो जाते हैं, नज़र लग जाती है. हाँ ये बात सही है, माशाल्लाह ज़रूर लिखते हैं. आज का ब्लॉग हम करते हैं स्टार्ट. हमें तैयार हुई भी, हमने घर में ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती, कहीं जा रही है. आपको पता ही है मैं घर में कैसी होती हूँ. अच्छा तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट. कुछ सामान लेने जाना है घर का, तो फिर आप लोगों को साथ लेके जाएंगे, लेकिन अभी चलते हैं नीचे और देखते हैं बाकी सब क्या कर रहे हैं. मेरा बेटा क्या कर रहा है आपको पता है, उसको देखने का तो सबको मज़ा आता है. तो लेट्स गेट द ब्लॉग स्टार्टेड और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी. अच्छा अभी बाहर जाने का सीन पता नहीं है या नहीं अभी, क्योंकि सीन बदलते रहते हैं, प्लान्स चेंज होते रहते हैं. अभी नीचे चलते हैं, अम्मा से पूछते हैं कि क्या सीन है, आज का सीन है बाहर जाने का या कल का सीन है, क्योंकि मुझे तो छुट्टियाँ. यूजुअली हम लोग वैसे प्रेफर करते हैं कि कहीं जाना हो तो हम लोग फ्राइडे को चले जाएँ, क्योंकि पापा को छुट्टी होती है तो घर की भी टेंशन नहीं होती, और जो बिल्ला है हमारा वो तो मेरे साथ ही होता है ऑब्वियसली, उसको तो कहीं पर भी नहीं छोड़ के जा सकते. तो नीचे चलते हैं, अम्मा से पूछते हैं कि क्या प्लान है, फिर मैं आपको बताती हूँ. ये बिलाल जो है अपनी मम्मी से बातें कर रहा है. हाय हाय. बिलाल को ना अब इतना ज़्यादा आना अच्छा नहीं लगता. हेलो. मैंने कहा आपकी याद ताज़ा कर दूँ. इंशाल्लाह. अभी मैंने आपको बताया नहीं है कमिंग सून, आपने बता दिया. आज का क्या प्लान है? हाँ चलेंगे चलेंगे. हाँ अगर तुम ढीली ना पड़ गई तो. मैंने क्यों ढीली पड़ना है, मैं तो तैयार हूँ. नहीं चलेंगे तो संभाल लेना. ओके चलेंगे चलेंगे. अभी हम सिर्फ इफ्तार का वेट कर रहे हैं, 5:10 हो गए. अम्मा जो है भाभी से बात कर रही हैं वीडियो कॉल पे और मैं वेट कर रही हूँ, मैंने चीज़ें वगैरह फ्राई करनी है इफ्तार के लिए. और अभी 5:10 हुए हैं तो मेरे ख्याल से 5:35 पे मैं फ़्राई करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि रोज़ा जो है 6:10-12 पे खुलता है, तो तब तक सब कुछ सेट वगैरह करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊँगी. इफ्तारी का टाइम होने वाला है और मैं बस रोल वगैरह फ्राई करने आई हूँ किचन में. कैमरे को यहाँ पर सेट कर देती हूँ, साथ साथ रोल फ्राई करते हैं. रोल अम्मा बुला रही है, क्या कर रही हो? अम्मा एक्चुअली सो गई थी तो मैं नज़र आ रही हूँ अंदर के, नहीं मुझे लग रहा मेरा तेल ज़्यादा गर्म हो गया है. मैं अपना एंगल देखने गई थी पीछे से, अम्मा भी आ गई. ये ना अम्मा ने घर में बनाए हुए हैं और हमने इसको इन बैग्स में रखा है, तो हमें दरवाज़ा बंद करते हैं. पापा काम के जा रहे हैं इसलिए घर में शोर हो रहा है. हमने इनको ना इन बैग्स में रखा है ताकि ये चिपके नहीं सकते. मैंने कहा आप सोए हुए हैं अम्मा. मैं देखती हूँ बैठी हुई थी आराम से, मैंने कहा टाइम हो गया कोई आ नहीं रहा, एक्टिव नहीं हो रहा. मैं फ्राई कर लूँ तो फिर दिखा. हाँ जी हाँ जी. अच्छा ये मैं दिखा रही हूँ, मैंने रोल फ्राई किए हैं
और ये मेरे दूसरे हो रहे हैं, और इधर जो है अम्मा, अम्मा को एकदम, अम्मा उठी और अम्मा ने कहा कि जी समोसे का बैटर पड़ा हुआ था, समोसे बना ले, क्योंकि बिलाल को समोसे अच्छे लगते हैं, हम सबको अच्छे लगते हैं। आज हमने पकौड़ों की छुट्टी की है, मैं अम्मा को कह रही हूँ कि हमने बाहर जाना है, पकौड़े नहीं खाएंगे तो चला नहीं जाएगा। यार पकौड़ों का इतना मज़ा आता है। अम्मा आपको नहीं आता? शायद अम्मा से हम लेंगे समोसे और इनको कर ले लूँ नहीं वाला। मैं भी क्या, मैं भी, आप आराम से आराम से आराम से। फिलहाल तो बहुत मज़ा आता है हेल्प कराने का। मामा इतने ज़्यादा बनाई जा रही हो, कितने हो गए हैं? ये देखें गाइस, बहुत रिस्की काम है जो हम कर रहे हैं जी। डेड पर्सन या टेन पर्सन? डेड पर्सन तो हो गई है, तो हो गई है कपी 70। अच्छा मैं ना ये डालने लगी तो मिलूंगा। आई रियली लव दिस। ये पता है जिसने, देखो ये रखा क्या हुआ है मिक्स करने के लिए। हम लोग जा रहे हैं सामान लेने, और फिर मैं दिखाऊंगी अगर मैं दिखा सकी सारे टाइम में, वरना मैं घर आके दिखाऊंगी, वरना मैं रास्ते में दिखाऊंगी। अभी हम जा रहे हैं और बिलाल को पापा ने ऑफर की है कि ये घर में रहे, क्योंकि ये तंग करता बाहर जाके, लेकिन वो नहीं जा रहा भाई पापा के साथ, पापा की बातों में नहीं आ रहा। कह रहा है कि नहीं, मैंने अम्मा जी और मुना मामा के साथ जाना है। बिलाल आप जा रहे हो हमारे साथ? इधर आके दिखाओ, चले हाय गाइस, हेलो अगेन। कल हम लोग लेट वापस आए और हमारे साथ रास्ते में बड़े सीन्स हुए, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई 3 दफ़ा, और हम बस, मुझे मौका ही नहीं मिला व्लॉग करने का, और फिर हम घर काफ़ी लेट आए, एंड देन आई स्लेप्ट, और मैंने सोचा कि यार अभी दोबारा से व्लॉग कंटिन्यू करें। सो डे 2 ऑफ द सेम व्लॉग, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। ये देखो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे की मॉर्निंग हो गई है। आज हमें छुट्टी थी तो हम लोग बहुत लेट उठे हैं, थैंक्स टू बिलाल के ये भी लेट उठे हैं, हमारे बिलाल बहुत जल्दी उठ जाता है। अच्छा अभी मैं नीचे आई हूँ, मैं सोच रही हूँ इसको होमवर्क करा दूँ। ही हैज़ बेसिकली 2 bags, दिस वन एंड दिस वन दैट यू ऑल नो। सोच रही हूँ इसको होमवर्क करा दूँ। ये इसके जनाब की ज्योमेट्री बॉक्स देखें, मुझे याद है एक टाइम था, आउच क्या है, एक टाइम था कि मुझे बहुत शौक था, वो एक वो उस तरह की ज्योमेट्री बॉक्स होती है ना, वो जिसके स्टेप्स होते हैं, मैं इस तरह की स्टेशनरी लेती थी, और अब जब मैं बिलाल को देखती हूँ सब करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक यही तो दिन है यार एंजॉय करने के। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको होमवर्क कराया जाए, और इसके दोनों बैग्स लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसको कहती हूँ कि तुम अपने बड़े वाले बैग बना लो, बिकॉज उसकी बुक्स पूरी नहीं आती छोटे में, लेकिन वो मुझे कहता है कि नहीं उसको छोटे वाला पसंद है, तो वो कुछ बुक्स जो है घर रख जाता है छोटा ले जाने के लिए, तो इसलिए मैं दोनों लेके जा रही हूँ कि अगर उसने ड्रामे किए कि नहीं छोटे बैग में डालनी थी बॉक्स, और फिर मैंने होमवर्क करना था, तो मैंने कहा यार दोनों ऑप्शंस होनी चाहिए ताकि ये बच्चा भाग ना सके, बिकॉज जब संडे का दिन होता है ना और होमवर्क इसको मैं ही कराती हूँ, वैसे तो मैं बिज़ी होती हूँ सारे दिन मतलब यूनिवर्सिटी में, लेकिन जब छुट्टी वगैरह होती है तो मैं इसके पास होती हूँ, मेरे कोशिश होती है दिन में कर ले, जब यूनिवर्सिटी होती है तो मैं फिर इसको रात को होमवर्क करवाती हूँ, क्योंकि ये और किसी के पास नहीं बैठता। प्लान कर रही हूँ कि भी ये टाइम से कर ले, जो कि बहुत मुश्किल है कि अगले दिन छुट्टी और ये होमवर्क पहले कर ले, अभी वैसे भी वो कार्टून देख रहा है, तो लेट्स गिव इट अ ट्राई एंड लेट यू गाइस नो, लेट्स गो। मैं इधर आई हूँ, ये बच्चा बहुत अमीर हुआ है, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मुझे तो दिखाओ, नहीं लेती, दिखाओ, अच्छा दिखाओ, मैं सबको दिखाती हूँ आपके, आपकी ये वॉलेट के बारे में।
वैसे हमें फाइनली बिलाल ने दे दिया है, और ये हम लोगों को मिला था जब हमने ट्रैवल किया था, और एयरलाइन वालों ने दिया था। मुझे बताने तो दो, इसको टेंशन हो रही है कि मैंने इसको पैसे दिए और मैं इसके पैसे वापस ना ले लूँ। मेरे भी गया है ट्रस्ट इशूज के मामले में। अच्छा, तो ये जो था ना, एक मिनट मुझे बताने दो, ये जो था हम लोगों को एयरलाइन की तरफ से मिला था, बेसिकली कार्टून बुक टाइप थी, इसके अंदर क्रेयॉन्स थे ना, हाँ इसके अंदर क्रेयॉन्स थे। अब इसने इसके अंदर पैसे रख लिए, अरे इसका वॉलेट बन गया, और हमें लूट रहा है, कह रहा है कि 50 का नोट दो, 100 का नोट दो, 1000 का दो, इसको 5000 का भी पता है। ये बच्चा यू इज़ एक्सपेंसिव। खैर मैं दिखाती हूँ कि इसके पास कितने नोट्स हैं। 50, मैं आपके पैसे दिखा दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सोच लो। अच्छा वापस रख दूँगी, ठीक है। OMG, you are so rich. मुझे मैंने अपनी खाला को लगा हुआ है कि मुझे पैसे दें, क्योंकि उसने वॉलेट में पैसे भरने कहता है मुझे रोज पैसे देने हैं। ये सही है, मैं जुर्माना पड़ गया। अभी इसने पापा को भी तंग करना। No. Only one. मैंने कहा यू इज क्यूट, यू इज एक्सपेंसिव ब्रो। अच्छा जी, तो मैंने उसको एक होमवर्क करा दिया था, अभी सारा होमवर्क नहीं हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सक्सेस है, वरना छुट्टी वाले दिन बच्चे को मूड में लाना ना होमवर्क कराने के बहुत मुश्किल काम है। आई एम रियली हैप्पी। उसको मैंने शावर दिलाया था तो बेचारे को नींद आ रही थी, तो मैंने उसको दूध वगैरह पिला के सुला दिया। अभी इफ्तारी में है, कोई घंटा है, तो मैं उसको उठा दूँगी और मैं वापस आके अपने हुजरे में मैंने सोचा कुछ काम कर लूँ। यहाँ पे मैं करूँगी अपने व्लॉग को एंड। अफ्तारी आज नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अफ्तारी में वही रोल, वही समोसे, वही पकोड़े, वही सब कुछ जो रोज़ होता है। हम पाकिस्तानी रोज़ पकोड़े खा सकते हैं। अब जैसे मैंने मम्मा को आज कहा है कि हम बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें बनाने लगे, तो आज हम सिर्फ पकौड़े बनाएंगे। अब सिर्फ पकौड़े का मतलब ये भी है कि हम पकौड़ों की पूरी डिश बना लेंगे। बट एनीवेज, मैं करती हूँ आज का व्लॉग यहाँ पे एंड और करती हूँ अपना थोड़ा सा काम। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और सबसे मज़े की बात जो मैं तुम लोगों को कह रही थी कि सरप्राइज़ मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। वो सरप्राइज़ ये है कि भाई भाभी और मेरा भतीजा इंशाल्लाह पाकिस्तान आ रहे हैं बहुत थोड़े से दिनों में, और फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और तुम लोगों को पता है जब हम सब मिल जाते हैं तो फिर कितना मज़ा आता है, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।